हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कैसे हम ऑनलाइन रन करवा सकते हैं। गाइस, चाहे वो कोड सी में लिखा हो या सी प्लस प्लस में लिखा हो या जावा पाइथन में एनी मोड। तो गाइस, हम ये देखा होगा कि काफी सारी कंपाइलर होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं एंड वो काफी ज्यादा साइज भी ले लेते हैं हमारे कंप्यूटर में। गाइस, काफी लोगों का कंप्यूटर है जो ज्यादा रैम वाला नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर चलने में उनको काफी दिक्कत आती है। और कभी कभी हम जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें हमें जे काफी सारे टूल्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो गाइस, ये काफी हेडेक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो गाइस, हम एक बेस्ट वे देखेंगे जिससे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सकते हैं इजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कंपाइलर ऑफ सी। तो गाइस, सबसे पहला आपको यहाँ पे खुलेगा ऑनलाइन सी कंपाइलर ऑनलाइन एडिटर एंड ऑनलाइन जीडीवी। तो उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो गाइस, यहाँ पे जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो सी है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए सी में ये कोड लिखा हुआ है। तो गाइस, हम यहाँ पे कुछ भी एडिट करके लिख सकते हैं। गाइस, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मुकुल, ओके। तो गाइस, इसको रन करना है हमको। तो आपको सिंपली यहाँ पर रन बटन दिख रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया मुकुल। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना कोई भी कंपाइलर ऑन करना पड़ा, तो आपने इजिली इसको प्रोग्राम को रन कर लिया। और गाइस, इसमें काफी सारे लैंग्वेजेस हम रन करा सकते हैं। गाइस, जैसे यहाँ पे आप लोग को सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करना है तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बस। जैसे इसमें आईओ स्ट्रीम की फाइल की जरूरत लगती है एंड यहाँ पर सी आउट लिखना पड़ता है। पैकेट्स को हटाने पड़ते हैं एंड यहाँ पर आपको एस टी डी लिखना पड़ता है। ओके, तो इसको हम रन करके देखते हैं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को लिख दिया है, उसको हम रन करके देखते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है मुकुल, जो कि हमने ये प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में लिखा है। इसी तरीके से गाइस, यहाँ पे हम जावा का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो गाइस, जैसे सपोज करिए हमने जावा यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक आपको यहाँ पर पब्लिक क्लास और मेन, मेन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जावा के फाइल का नाम क्या है, मेन। ओके, तो यहाँ पे हमने मेन लिखा, इसको यहाँ पे हमने ब्रैकेट दिए, उसके बाद अपने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। स्ट्रिंग एआरजीएस, उसके बाद अपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, के बाद हमने यहाँ पे मुकुल प्रिंट करवाया। तो गाइस देखिए, अब हम यहाँ से रन करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। देखिए, आपको कोई भी गाइस सॉफ्टवेयर का नीड नहीं लगा। इसमें गाइस काफी और भी फीचर है। तो जैसे आप यहाँ से लैंग्वेजेस तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ गाइस अगर आपको कोई भी फाइल अपनी अपलोड करनी है, गाइस आपने ऐसे कोई भी फाइल में कोड लिखा हो तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए, मेरी मुकुल नाम की फाइल है सी की, तो उसको मुझे को अपलोड करना है तो मैं इसको अपलोड भी कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे कोड आ गया। कोड आने के बाद मैं इसमें, और एक और चीज़ है, अगर आपके आपको अपने प्रोग्राम को कहीं सेव करना है, सेव करना है तो आप गाइस वो भी सेव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस आपको गूगल पे साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको गाइस यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट के नेम डालना होगा।
उसके बाद गाइस देखिए, आपको अपने माय प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे गाइस चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट सेव किए। तो गाइस देखिए, अभी मेरा प्रोजेक्ट ये है मुकुल नाम का, जो मैंने अभी सेव किया हुआ। तो गाइस ये काफी इजी तरीका है कोड को रन करने का और सेव करने का, तो उसको आप जरूर ट्राई करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको कमेंट कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।